आपके यूट्यूब चैनल फिर नॉइज पे सर्वेज पर फूड्स के शेयर में अभी क्या करना चाहिए। सर्वेज पर फूड्स का शेयर फिर से एक बार तेजी बना रहा है, क्या ये शेयर 16-17 रुपए के आसपास पहुंच सकता है? 16-16.5 रुपए अभी पहुंच सकता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी लगता है सर्वेज पर फूड्स, इसका बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे हम लोग दोस्तों सर्वेज पर फूड्स को लेकर। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पी नॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। सर्वेश्वर फूड्स का जो शेयर है अभी 13.25 पैसे के आसपास चल रहा है। 13.25 पैसे के आसपास जो है यह शेयर अभी चल रहा है सर्वेश्वर फूड्स का। यहां पे देख सकते हैं जो शेयर का सर्वेश्वर फूड का एक दिन का जो हाई प्राइस देखने को मिल रहा है सर्वेश्वर फूड का, जो कि 13.25 पैसे का है। एक दिन का लो प्राइस 12.05 पैसे का है। 52 का हाई प्राइस देखिए जो कि 15.55 पैसे का है, और जो लो प्राइस है 2.08 पैसे का। फिलहाल कंपनी का देखते हैं सर्वेश्वर फूड का, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको लेके। देख सकते हैं जो इसका मार्केट कैप है जो कि 1,296.93 करोड़ का है। इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है जो इससे ज्यादा है 1,431.43 करोड़, मतलब कंपनी ने कुछ तो डेप्ट यहाँ पे लिया है, वो आगे हम लोग देखेंगे कंपनी के ऊपर डेप्ट है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर देख सकते सर्वेश्वर फूड का जो कि 97.88 करोड़ के आसपास है। पीई रेशियो जो है 217.93 है, फेस वैल्यू 1 है, पीवी 6.58 का है। तो कंपनी का देखते हैं यहाँ पे बुक वैल्यू जो है 2.01 का है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो डिविडेंड यील्ड है 0 है। तो सर्वेश्वर फूड्स कुछ डिविडेंड वगैरह जो है इन्वेस्टर्स को नहीं देता है। डेप्ट है कंपनी के ऊपर 134.61 करोड़ का, ये सर्वेश्वर फूड्स के ऊपर डेप्ट है। प्रमोटर्स के पास 54.91% का स्टेक है, माफ कीजिए 54.91% का स्टेक है जो कि बहुत ही सही है। एंड यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है 18.86% के आसपास। आरओई जो है 2.81% के आसपास है, एंड आरओसी 6.61% के आसपास है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि माइनस में देखने को मिल रहा है 2.46% के आसपास। सर्वेश्वर फूड्स का एक महीने का ये हम लोग चार्ट देख रहे हैं, जहां पे एक महीने में चार्ट में देख सकते हैं शेयर का प्राइस जो है यहाँ पे दोस्तों 9.25 पैसे के आसपास था। 9.25 पैसे के आसपास ये शेयर पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी बना था, और शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगभग 14 रुपीज के आसपास, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो लगभग 14.85 पैसे तक पहुंच गया था। तो 9 रुपए के आसपास चल रहा था शेयर, ये 14 रुपीज के आसपास पहुंच गया था। तो यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी बना, और उसके बाद आप देखते हैं तो शेयर में गिरावट बना 13.40 पैसा। फिर से शेयर में यहाँ पे एक तेजी बनता हुआ देखने को मिला था जो कि 14 रुपीज के ऊपर ये शेयर थोड़ा पहुंच गया था। यहाँ पे देख सकते हैं 14 रुपीज के ऊपर ये शेयर पहुंच गया था, उसके बाद शेयर में जो है फिर से एक बार गिरावट बनता हुआ देखने को मिला था 14.70 पैसे के आसपास, जबकि ये शेयर 12.65 पैसे के आसपास पहुंच गया था। इसका वॉल्यूम की बात करते हैं, एक महीने का वॉल्यूम देखते हैं दोस्तों। तो एक महीने के अंदर यहाँ पे जो है वॉल्यूम में एक जबरदस्त तेजी बना था, जब शेयर में भी तेजी बना यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम में जो एक जबरदस्त तेजी बना, उसके बाद वॉल्यूम जो है इसका गिरावट बना, फिर से यहाँ पे एक तेजी बना, फिर से यहाँ पे गिरावट बना, फिर से जो है अभी आप एक चीज देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले आगे अभी सर्वेश्वर फूड्स में। तो अभी यहाँ पे सर्वेश्वर फूड का जो सेल्स ग्रोथ है वो देखते हैं, तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका सेल्स ग्रोथ है 8.48% का हुआ है, एंड एक सालों में 18.86% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो फिलहाल कंपनी का अभी सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे इसके बोल सकते कि जो है मैन्युफैक्चरिंग हब भी है सर्वेश्वर फूड के, इसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे काम भी कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, पिछले 5 सालों में देखते हैं जो कि माइनस में था 17.65% का, और एक साल का देखते हैं तो माइनस में है 2.46% का। एंड यहाँ पे आरओई देखते हैं तो आरओई देख सकते हैं जो कि 3.73% के आसपास था पिछले 5 सालों में, और वही एक सालों में देखते हैं तो 2.81% के आसपास देखने को फिलहाल मिल रहा है। तो अभी इसका जो बोल सकते कि जो स्टेक है पब्लिक के पास जो है लगभग 42.49% का स्टेक है सर्वेश्वर फूड्स का। वही बात करते जो एफआईएस है, एफआईएस के पास देख सकते हैं 2.59% का स्टेक है, और जो प्रोमोटर्स है प्रोमोटर्स के पास 54.91% का स्टेक है। तो प्रोमोटर्स के पास
ज्यादा स्टेक है, उसके बाद देखते हैं तो जो पब्लिक है, पब्लिक के पास स्टेक है, उसके बाद FIS के पास स्टेक है। तो पब्लिक ने यहाँ पे बोल सकते कि जो है बहुत सारा खरीदारी करके रखा है, बहुत ज्यादा खरीदारी जो है पब्लिक ने भी सर्वेजबल फोर्स के शेयर में किया है। अभी दोस्तों कंपनी का क्या ऐसा स्ट्रेंथ है जिसके चलते सर्वेज बर्फूस के शेयर में हम लोग को आगे चल के तेजी बन सकता है या फिर देखने को मिल सकता है। अब जैसे कंपनी जो है इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, पिछले तीन क्वार्टर में लगभग 31.59% इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी का। देखते जो रेवेन्यू ग्रोथ है 17.64% के आसपास देखने को मिल रहा है पिछले तीन सालों में। एंड कंपनी एस हेल्दी जो लिक्विडिटी पोजिशन है विथ करेंट रेशियो जो यहाँ पे देख सकते कंपनी का मतलब सर्वेज फूड का जो शेयर का प्रमोटर्स है या फिर जैसे प्रमोटर्स के पास भी एक अच्छा खासा स्टेक है 54.91% के आसपास का स्टेक है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स एक स्ट्रॉन्ग है तो सर्विस फूड का, जहां पे प्रमोटर्स के पास एक अच्छा खासा स्टेक है और कंपनी को ग्रो करने के लिए प्रमोटर्स काम भी कर रहा है। अभी यहाँ पे जो सर्विस फूड्स के ऐसे भी कुछ चीज है जो आपको देखना चाहिए शेयर अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं। तो कंपनी का आप देख सकते हैं मतलब जो ROE है जो कि 2.94% है ओवर पास्ट 3 ईयर्स। कंपनी का जो लाइबिलिटीज है 3,975.96 करोड़ का है। कंपनी हैज नेगेटिव कैश फ्लो, इसके जो ऑपरेशन है उसके जो कैश फ्लो है नेगेटिव में है 36.37%। कंपनी का शेयर जो है जो इसका ईवी और ईवीआईटीडीए जो है ईवी से भी देखते हैं तो लगभग 56.59 में चल रहा है जो ज्यादा है। तो अभी यहाँ पे सर्वेज बर्ड फोर्स का जो Q3 24 का रिजल्ट आया था उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कंपनी कैसा है और क्या चल रहा है कंपनी में, सर्वेज फूड के शेयर में भी क्या करना चाहिए। तो नेट सेल्स की बात करते हैं जो Q3 24 का रिजल्ट आया था उसमें देख सकते हैं नेट सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि 86.53 करोड़ से बढ़ के 98.93 करोड़ का हुआ था। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं 80.71 करोड़ से बढ़ के 91.74 करोड़ का हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते 5.82 करोड़ से घट के जो है 7.19 करोड़ का हुआ था। अदर इनकम की बात करते हैं जो कि 1.22 करोड़ का था वो घट के जो है 0.71 करोड़ का हुआ था। इंटरेस्ट की बात करते हैं 4.62 करोड़ का था बढ़ के 5.17 करोड़ का हुआ था। एंड यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं जो कि 2.31 करोड़ से बढ़ के जो है 2.65 करोड़ का हुआ था। टैक्स की बात करते 0.47 करोड़ से बढ़ के 0.73 करोड़ का हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते 1.84 करोड़ से बढ़ के 1.92 करोड़ का हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे कंपनी का जो अभी Q3 24 का रिजल्ट आया है उसमें एक जबरदस्त ग्रोथ कंपनी का देखने को मिला है। हो सकता है शेयर में थोड़ा बहुत तेजी बने, इसका वॉल्यूम भी यहाँ से बढ़ सकता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों सर्वेज बर्ड फूड का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पिनोविश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।